दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम आपको शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से किन जनधन खातों में ये जो 1,500 रुपये किस तरीके से आएंगे और किन को मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसका हम पूरा ए टू जेड प्रोसेस बताएंगे। लेकिन वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और मेरे चैनल नहीं चैनल को सब्सक्राइब और जो बाद में बेल आइकन उसे जरूर बच जाए। इस तरीके का अगर कोई वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, क्योंकि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बच जाएगी। इस तरीके का वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ओके, तो बिना देर किस वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। गाइज, अभी आपको क्या करना है, मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पोर्टल ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, ये सरकारी न्यूज़ योजना जो है, एक वेबसाइट है, यहाँ पर इसने पोस्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ ए टू जेड ऊपर से, यहाँ पर लिखा है जनधन खाता में कब और कितने पैसे आएंगे, जनधन खाता में मोदी ने भेजे कितने पैसे जाने किस खाते में, कब तक होगी भुगतान। ओके, तो यहाँ पर बताएगा कि किस खाते में कितना पैसा आएगा और कब आएगा, यहाँ पर लिखा है। ओके, तो अभी हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। ओके, यहाँ पर लिखा है, अगर इस पोस्ट को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। यहाँ पर लिखा है जनधन खातों धारकों को क्यों दिया जाएगा पैसा। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस के जैसे महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, इसी भारत में एक भी भारत है, कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए लॉकडाउन कर दिया गया है। ओके, केंद्र सरकार के द्वारा 21 दिनों तक लॉकडाउन किया गया है, जो 14 अप्रैल 2020 को खत्म हो जाएगा। ओके, लेकिन इस बीच सरकार यही बोली बातें जानती है कि इस लॉकडाउन से वैसे ही लोग गरीबी से नीचे अपना गुजर बसर कर रहे, उनको बहुत समस्या आएगी। इसी को ध्यान रखकर वित्त मंत्री निर्मला सीताराम जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है प्रधानमंत्री जनधन खातों धारकों को सरकार 500 रुपये प्रति माह से अगले 3 महीने तक भुगतान करेगी। यानी आपको जनधन खातों धारकों को सरकार अगले 3 महीने तक 1,500 रुपये भुगतान करिए। ओके, यहाँ पर लिखा है कि आपको 1,500 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये 3 किस्त में मिलेंगे। एक तो आपको हर महीने 500-500 की किस्त मिलेगी, जो कि आपको 3 महीने तक मिलती रहेगी। ओके, ये सिर्फ जनधन खातों के लिए लागू है, अदरवाइज किसी खातों में ये जो है पैसा नहीं आएगा। ओके, ये सिर्फ SBI के जो जनधन खाते खोले गए उन्हीं खातों में ये पैसे आने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर स्कीम का यहाँ पर बोला गया है, स्कीम ने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर लॉन्च हुआ PM मोदी, और इसका बेनिफिट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 500 मंथ 3 मंथ के लिए यहाँ पर मिलने वाला है, और यहाँ पर 1,500 रुपये यहाँ पर बोला गया है। ओके, अभी बात करते हैं इसकी जो है, ये जो है किस खाते में आएंगे और कब आएंगे। ओके गाइज, अभी हम बात करें तो अगर आपका खाता आपने खोला होगा तब आपने उसमें कोई लेन देन नहीं की तो आपका वो खाता बंद हो चुका होगा, तो उसमें आपका जो है उस खाते को अगर आप चालू करते हैं तो पैसा आएगा, वरना अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ऊपर से पैसा ही नहीं आता। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको बात जानना जरूरी है। ओके, यहाँ पर अगर आप हम नीचे आप स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा है जनधन खातों में कब कितने पैसे आएंगे, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पूरा बताया गया है। आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है। ओके, और यहाँ पर आप किस तरीके को पैसा आएगा यहाँ पर बताया गया है, ये सरकार के द्वारा पैसे भेजने के लिए एक नई तरीका है अपना जा रहा है, जिसके तहत आपको खातों का अंतिम संख्या बताएगा कि आपके खाते में पैसा कब आएगा। ओके, आपका जो लास्ट का अकाउंट नंबर है, लास्ट का मतलब पूरा लास्ट का, अगर आपके लास्ट अकाउंट नंबर में लास्ट में 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, जो भी है, उस अंक के द्वारा आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा। अगर आपके खाते के लास्ट अंक में 5 तारीख है तो आपका पैसा 5 तारीख को मिलेगा। ओके, अगर 9 है तो 9 तारीख को मिलेगा। इस तरीके से ही ये पैसा आने वाला है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट किया गया है, 2 अप्रैल से, अब जी 2 अप्रैल से अब जिन दिन का भी खाता है, ओके, जिनका 1 तारीख आएगा वो आपको 11 तारीख को मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो है अगर आपके अकाउंट में लास्ट में 0 है तो 10 तारीख को पैसा मिलेगा। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो आपका पैसा कब आएगा। ओके, इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिए गाइस। गाइस, अभी आप समझ गए हो कि आपको पैसा कब आएगा और कब नहीं आएगा। ओके, तो अभी आप इस, अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करके एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ओके, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने समझ जाइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।